नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। गुरुवार को आचार्य श्री महाश्रवण जी गुरुदेव का आगमन 9 बजे गांव के अंतिम छोर रायपुरिया राजगढ़ मार्ग से हुआ। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए सड़क के दोनों ओर भक्तजन लाइन बनाकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के भक्त गुरुदेव के दर्शन के लिए लालायित थे। गांव के सभी समाज के लोग ने उनकी अगवानी की। गुरुदेव ने सभी को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते रहे और किसी संत का गांव में आगमन होता है तो वहां की मिट्टी पवित्र हो जाती है, वहां का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही यहां के लोग मान रहे हैं, हमारा सौभाग्य खुल गया। राष्ट्रीय संत के आगमन से सुबह से गाँव में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। आचार्य श्री के आगमन के लिए जगह जगह स्वागत द्वार, बैनर, पोस्टर जैन ध्वज से सजाया हुआ। गुरुदेव के अगवानी करने के लिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर सांसद गुमान सिंह डामोर भी पैदल चल रहे थे। गुरुदेव के गांव आगमन के पहले कोटद्याग परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने बड़े उत्साह से जैन साधु संत की झांकी बनाई, जो काफी आकर्षण रही। आचार्य श्री महाश्रवण जी का रायपुरिया में आगमन हुआ है, उन्हीं के स्वागत के लिए हमने ये सब तैयारी करी है। गुरुदेव का 2004 में यहाँ पे विराजना हुआ था जब वो युवाचार्य थे। अब आचार्य बने हैं तो इतने सालों बाद आए हैं वो, तो एक भेंट देनी थी, तो भेंट के स्वरूप में, मतलब कोरोना के कारण और कुछ तो नहीं दे सकते थे, तो हमने सोचा कि हम यही गुरुदेव को भेंट करें ताकि उनसे ये प्रभावित हो और कुछ अलग दिखे। अच्छा, इससे पहले कुछ प्लानिंग करी थी क्या? नहीं, एकदम मन में आया और हमने कल रात को ही सब। झाबुआ से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।